गुड मॉर्निंग एवरीवन मैं मनीष शर्मा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौटिल्य विधि पर आप सभी का स्वागत करता हूं कैसे हैं आप सभी ईश्वर की कृपा से सब अच्छे होंगे आज का बहुत सुपर सेशन आपके सामने लेकर आ रहा हूं जैसा कि आप जानते हैं प्रतिदिन कौटिल्य विधि के द्वारा प्रतिदिन सुबह सुबह सात बजे हमारी क्लास आरम्भ हो जाती है आप लोग प्रतिदिन देखते हैं इसके लिए आप सभी का आभार भी है और अपनी तैयारियों को बहुत अच्छे से अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं विक्रांत नमस्कार भाई अंजलि शर्मा वेरी गुड मॉर्निंग अंजलि शर्मा गुड मॉर्निंग शादना राजपूत राधे राधे एक बार सभी लोग मिलकर सेशन को शेयर कर दीजिएगा और फिर एक जबरदस्त क्लास का आनंद लीजिएगा फटाफट से जुड़ जाइए बेटा बहुत जबरदस्त क्लास तुम्हारे सामने होने वाली है प्रतिदिन होने वाली इस क्लास में आप सभी का स्वागत है जी पारुल शर्मा राधे राधे बेटा राधे राधे विक्रांत अंजलि पारुल सबको नमस्कार बेटा सबको नमस्कार सब ठीक हैं खुश हैं प्रसन्न हैं बहुत बढ़िया चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लगाते हैं धीरे धीरे सब लोग जुड़ने लग गए हैं सुबह जगने में दिक्कतें होती हैं लोगों को रात को आई देखते हैं तो दिक्कतें तो होती ही हैं कोई बात नहीं बेटा सब चीज़ जरूरी है लाइफ में चलिए आज का पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लगा रहे हैं बेहतरीन सा क्वेश्चन है बहुत अच्छे से करिएगा आज का पहला क्वेश्चन है जरा देखिए ध्यान से और आंसर करिएगा करिए बेटा आंसर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने बेहतरीन सा क्वेश्चन है देखिएगा निम्नलिखित में से कितनी अवधि तक कितना बढ़िया क्वेश्चन है देखिए और आंसर करिएगा कई बार एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है और देखिएगा निम्न में से कितनी अवधि तक एक मंत्री संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य बिना अपने पद पर रह सकता है यानी कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है फिर दोबारा से सुनिए ध्यान से सुनिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है क्वेश्चन पूछा है अगर कोई भी व्यक्ति है ना तो वो संसद का सदस्य बन पाया है और ना ही वो विधानमंडल का सदस्य है संसद के सदस्य का मतलब है ना तो वो लोकसभा का मेंबर है ना वो राज्यसभा का मेंबर है और विधानमंडल का मतलब है बेटा ना तो वो विधानसभा का सदस्य है ना ही वो विधान परिषद का सदस्य है ये क्वेश्चन तुमसे पूछा है वो कितने समय तक मंत्री के पद पर रह सकता है ऐसा भारत में कई बार हुआ है ऐसे प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं और सीएम भी बने हैं यानी ना तो वो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है फिर भी कैबिनेट में मिनिस्टर बन सकता है ऐसे विधानमंडल में ना तो वो विधानसभा का सदस्य है, ना विधान परिषद का सदस्य है तो कितने समय तक वहां रह सकता है फटाफट से बताइए आंसर आने शुरू तुम्हें याद रखना करेक्ट आंसर है बिल्कुल सही आंसर दिया है तुमने बी सही है अगर कोई भी विधायक है या कोई सांसद है और वो विधायक हार जाता है या सांसद जीत नहीं पाता है तब भी वो छह महीने तक पद पर रह सकता है लेकिन छह महीने के अंदर उसे किसी न किसी सदस्य की किसी न किसी सदन की बहुत जरूरी है किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी ही पड़ेगी तभी वह आगे अगले पांच साल के लिए पद पर रह सकता है ठीक है बेटा बिल्कुल विक्रांत पारुल एकदम सही अंजलि सबका सही है साधना एकदम करेक्ट आंसर है छह महीने तक रह सकता है कितने महीने तक रह सकता है छह महीने तक रह सकता है एकदम सही आंसर दिया है तुम लोगों ने बेहतरीन आंसर है अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ध्यान से और करिएगा निम्नलिखित में से किस समिति ने वर्ष उन्नीस सौ में ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था उन्नीस सौ गलत कर रखा है बेटा ये 1957 है उन्नीस है क्या है ये ये है उन्नीस ये हटा दो बीच में से 1957 है ये उन्नीस थोड़ी गलतियां हो रही हैं यहाँ कोई बात नहीं है ठीक है ये क्या है 1957 है 1957 कहिए इसे क्या करेंगे 1957 अब दिख रहा होगा 1957 में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था वो निम्न में से किसने दिया था बलवंत राय मेहता समिति अशोक मेहता समिति प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर महर्षि समिति या ग्राम नगर संबंध समिति क्या होगा आंसर फटाफट से करिए पीतमबर यादव रामराम भाई शिवा कुमारी आंसर सही दिया था अंजलि प्रशांत शर्मा बलवंत राय मेहता समिति एकदम सही है अशोक मेहता समिति का जब नाम आता है तो द्विस्तरीय कैसी स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी और बलवंत राय का जो नाम आता है उसमें त्रिस्तरीय आता है बेटा क्या आता है त्रिस्तरीय आता है एकदम सही आंसर है त्रिस्तरीय आपने एकदम करेक्ट दिया है इसके तीन स्तर होंगे इसके कितने स्तर होंगे तीन पहला स्तर जो होगा बाबू वो क्या होगा पहला स्तर जो होगा वो होगा आपका ग्राम स्तर कौन सा होगा ग्राम दूसरा जो होगा वो ब्लॉक स्तर होगा और तीसरा जो होगा एक ग्राम होगा एक ब्लॉक होगा और तीसरा जो होगा वो जिला स्तर होगा कौन सा होगा जिला स्तर होगा ऐसा सुझाव किसने दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए इज करेक्ट है ठीक है डी एन शर्मा जी नगलासू से हैं बहुत बहुत नमस्कार आपको आशीष दिवाकर वेरी गुड मॉर्निंग शिवम कुशवाहा पारुल शर्मा विक्रांत शादना सबका एकदम सही है शिवा बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा सही आंसर है बेहतरीन आंसर है अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर करिएगा एक और बढ़िया क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया है बेहतरीन तरीके से देखिए और आंसर करिएगा क्वेश्चन है राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है यह निम्न में से किसने कहा था देश में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है देश में क्या लगाया जाता है राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति का आपातकालीन राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किसी भी राज्य राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है यह कथन किसने कहा था कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी सर बी एन राव के एम नामबियार या हृदयनाथ कुंजुरु निम्न में से किसने कहा था कौन इसका आंसर देगा फटाफट से करिएगा अंजलि शर्मा ने कहा है सर सी इज करेक्ट है के एम नाम और कोई भाई बहन बताएगा इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आंसर बताइए कौन इसका आंसर देगा सही से आ रहा है बेटा किसी का आंसर अंजलि शर्मा कह रही है सी इज करेक्ट और दोबारा सुनिए राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है यह कथन किसने कहा था तो बेटा ये कथन कहा था हृदयनाथ कुंजरू ने किसने कहा था एच एन कुंजरू आंसर याद रखना हृदयनाथ कुंजरू तुम्हें तो पता है राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो आर्टिकल तीन सौ छप्पन के तहत लगाया जाता है और कोई भी राज्य चल रहा है और वहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहाँ पर क्या लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन लेकिन तुम्हें पता है एक बात यहाँ पर बहुत सी जो सरकारें होती हैं उन्होंने बड़ा मिस किया है जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग होती है स्टेट गवर्नमेंट में अलग होती है स्टेट में अलग होती है तो इन्होंने बड़ा मिसयूज किया है चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो चाहे वो और भी कोई प्राइम मिनिस्टर रहे हो उन्होंने खूब अच्छे से इसका क्या किया है इसका मिसयूज किया है रोशनी गौतम वेरी गुड मॉर्निंग बेटा वेरी गुड मॉर्निंग आंसर जो होगा साधना डी सही है विक्रांत बिल्कुल सही है विक्रांत ठीक आंसर है तो आंसर हो जाएगा हृदयनाथ कुंजरू करेक्ट है ठीक है बेटा अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्मड बाय भारत की संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था किसके द्वारा किया गया था बिल्कुल रश्मि यादव सही था बेटा शिवम कुशवाहा आपने सही दिया डी एन शर्मा नगला आंसू बिल्कुल सही था अलका यादव वेरी गुड मॉर्निंग बेटा वेरी गुड मॉर्निंग सबका ठीक था आंसर क्वेश्चन देखिए और आंसर करिएगा क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था क्रिप्स प्रस्तावों के अंतर्गत कैबिनेट मिशन योजनाओं के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत या माउंट बेटन योजना के अंतर्गत किसका आंसर आ रहा है फटाफट से करिएगा आ रहा है किसी का अंजलि शर्मा बिल्कुल सही आंसर दिया है बेटा कैबिनेट मिशन 1940 कैबिनेट मिशन 1940 ये कैबिनेट मिशन आया था 1946 कब आया था 1940 में इसी के तहत याद रखना भारत में संविधान सभा का क्या हुआ था गठन हुआ था एकदम करेक्ट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 में ठीक है बहुत बढ़िया अंजलि अलका शादना सबका एकदम सही है बेटा विक्रांत सही है ठीक है हाँ बेटा कमेंट पढ़ लूंगा तेरा देख ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है शादना बिल्कुल सही है आशीष रश्मि यादव अलका यादव शिवा कुमारी एकदम सबका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत उन्नीस सौ में हुआ था अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर करिएगा क्वेश्चन है सिलप्पाधिकारम का लेखक कौन था शिलप्पाधिकारम का लेखक कौन था बेहतरीन क्वेश्चन है कौन इसका आंसर देगा ये क्या है सिलप्पाधिकारम शिलप्पाधिकारम याद रखना तमिल भाषा का पहला ग्रंथ है तमिल भाषा का क्या है पहला साहित्यिक ग्रंथ है तमिल भाषा का पहला साहित्य का क्या है ग्रंथ है ये बात तुम्हें याद रखनी है ये पहला साहित्य का क्या है ग्रंथ है तिलप्पाधिकारम के लेखक जो है वो निम्न में से कौन है फटाफट से आंसर करिएगा निम्न में से कौन है जल्दी से जल्दी फटाफट आंसर करिए कौन इसका आंसर करेगा इलंगो परलर, करकाल या विष्णु स्वामिन कौन होगा जल्दी से फटाफट आंसर दीजिएगा जल्दी से आंसर दो का आंसर आने लगा है दानिश अली का आंसर आ गया है दानिश अली आ चुके हैं सी कह रहे हैं रश्मि यादव ये बता रही है अंजलि शर्मा ये बता रही है विनीत कुमार राम राम जी विनीत जी अंजलि शर्मा ने ये बताया है शिवम कुशवाहा सी बता रहे हैं देख लेते हैं बेटा आंसर अधिकारम का लेखक जो है वो कौन है इलंगोवदगल कौन है बेटा इलंगोवदिगल है याद रखना ये तमिल का पहला साहित्य का ग्रंथ है तमिल भाषा में साहित्य का पहला ग्रंथ है और किसने लिखा है इलंगोवदिगल ने लिखा है इलंगो वदगल ने लिखा है विनीत आंसर याद रखना बेटा ए होगा शिवा कुमारी बिल्कुल ठीक है विनीत कुमार राम राम भाई सर्वेश कुशवाहा वेरी गुड मॉर्निंग बेटा वेरी गुड मॉर्निंग बिल्कुल सही है दानिश अली सी गलत है तुम्हारा बेटा आंसर जो होगा वो क्या होगा ए होगा ठीक है रश्मि आंसर जो है वो बेटा क्या है ए करेक्ट है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय निम्न में से किसने बनाया था दानिशली कह रहे हैं गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल लाख कीमत धन बला गुरु आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल बहुत बहुत धन्यवाद आप इतना रेस्पेक्ट देने के लिए चलिए विकास शर्मा राधे राधे विकास चलिए आंसर दीजिए फटाफट से कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय निम्न में से किसने बनाया था चैतन्य ने निम्बार्क ने रामानंद ने या शंकर देव ने किसने बनाया फटाफट से बताइएगा सर्वेश कुशवाहा एकदम सुपर आंसर दिया बेटा अंजलि शर्मा सर्वेश बिल्कुल ठीक आंसर दिया है शंकर देव ऐसे प्रश्नों को जब तुम तो ऐसे फोड़ते हो ना तो एकदम दिल में खुशी सी होती है कि हाँ आप एक बहुत अच्छी तैयारी में हैं ऐसे क्वेश्चंस तो पेपर में सबसे ज्यादा गलत होती है ना तो इसलिए इस हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें ऐसे क्वेश्चंस का भी खूब अच्छे से पोस्टमार्टम किया जाएगा आंसर होगा शंकर देव शिवम तुम्हारा गलत है बेटा सर्वेश एकदम सही दिया था रश्मि ने दिया था अंजलि ने बिल्कुल सही आंसर दिया पारू शर्मा तुम्हारा भी सही है अविनाश कुमार गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर करिएगा प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाव्यार की स्थापना किसने की थी भारत में बहुत से प्राचीन विश्वविद्यालय हुए एक जिसका नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय क्या नाम था बेटा एक का नाम तक्षशिला था दूसरा था जिसका नाम नालंदा विश्वविद्यालय एक का नाम क्या हुआ नालंदा विश्वविद्यालय और एक का नाम हुआ विक्रमशिला विद्यालय क्या है विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये तीन यूनिवर्सिटी भारत में देखने को मिली ये इसीलिए तो भारत विश्वगुरु था बाबू तक्षशिला विश्वविद्यालय

पीतंबर यादव डी वर्षा रानी गुड मॉर्निंग अविनाश कुमार बी शिवा कुमारी ए अंजलि शर्मा देखो जितना तुमने बढ़िया आंसर पहले दिया था उतना ही गलत कर दिया दानिश अली ने एकदम सही दिया है बाकी मुझे लग रहा है किसी का आंसर सही नहीं आया अलका बेटा तुमने सही दिया है अलका यादव सही आया है अंजलि शर्वेस हाँ तुम्हारा भी एकदम सही है धर्मपाल ने की थी गलती मत करिए शिवम तुम्हारा एक क्वेश्चन सही नहीं आ रहा है बेटा आज थोड़ा लैपटॉप में दिक्कत हुई है तो स्क्रीन में पढ़ नहीं पा रहा हूँ फोन में ही देख रहा हूँ हाँ विक्रांत सी होगा बेटा सी होगा अंजलि आंसर आपने सही दिया है क्या है धर्मपाल ने किसने दिया दिया धर्मपाल ने बिल्कुल बिल्कुल सही है पाल है ठीक बेटा अगला क्वेश्चन देखो भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किसने किया था भारत में ऐसे कह सकते हैं चिश्ती संप्रदाय का जनक किसे कहा जाता है या चिश्तिया समुदाय को किसने भारत में स्थापित किया था ऐसा क्वेश्चन पूछा है या हम पूछे भारत में सबसे बड़ा सूफी संत का जो संप्रदाय है वो कौन सा है ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है ओके अंजलि विक्रांत सबका सी करेक्ट है बेटा वर्षा रानी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा सबका सही था क्वेश्चन सुनिएगा भारत में चिस्तिया सूफी संत का मत किसने स्थापित किया था यानी हम कह सकते हैं भारत में चिस्ती संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत निम्न में से किसने की थी फटाफट से बताइए आंसर में लिख रहा हूं आंसर आ भी गया होगा तुम्हारा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती किसने की थी बेटा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी आंसर किसका आ रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बिल्कुल सही दानिश अली बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी इज करेक्ट है बेटा अंजलि शर्मा अलका यादव बिल्कुल सही अंजलि शर्मा सर्वेश कुशवाहा सुमन यादव वेरी गुड मॉर्निंग बेटा ठीक है कविता कुमारी गणेश पंडित जी अलका यादव सुमन यादव सबका सही है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एकदम करेक्ट आंसर है यानी बी सही है यानी बी सही है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और इनकी दरगाह बेटा कहाँ है तो वो दरगाह है अजमेर में कहाँ है इनकी दरगाह इनकी दरगाह अजमेर में है ये बात तुम्हें तो याद रखनी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इज करेक्ट है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा कितना बढ़िया क्वेश्चन है बहुत बढ़िया ख्वाजा मोहनुद्दीन चिश्ती है सत्येंद्र यादव जिला मैन पुलिस से आ चुके हैं ख्वाजा मोहनुद्दीन चिश्ती एकदम सही है पारुल शर्मा अलका यादव सर्वेश शिवम कुशवाहा शिवा कुमारी सबका एकदम सही आंसर था क्वेश्चन देखिएगा दिल्ली की कुब्बत उल विश्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लाहौर स्तंभ किसकी स्मृति में बनवाया गया था किसकी स्मृति में है यानी वो निम्न में से किसने बनाया है ये पूछा है इसी बेटा लाहौर स्तंभ को हम कहते हैं मेहरौली स्तंभ कौन सा स्तंभ है ये मेहरौली स्तंभ के नाम से जाना जाता है और इसकी खास बात यह है कि यह लगभग चौथी शताब्दी में बना था ये कौन सी सेंचुरी में बना था फोर्थ सेंचुरी में बना था यानी चौथी शताब्दी में बनाया गया था और जब यह चौथी शताब्दी में बाबू बना था तो याद रखना इस पर आज तक जंग नहीं लगी है आज तक जंग नहीं लगी कितना महत्वपूर्ण लोहा इसमें लगाया गया होगा तो बताइए निम्न में से

मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत में लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है पढ़ा लिखा लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है ये बात याद रखना इसके कुछ ऐसे कार्य थे जिससे यह हतोत्साहित हो गया था और इसने अपनी राजधानी भी चेंज की थी और राजधानी इसे दिल्ली से कहाँ पहुँचा दी थी इसने दिल्ली से बाबू राजधानी कहाँ पहुँचा दी थी इसने दिल्ली से राजधानी ले गया था दौलताबाद कहाँ ले गया था दौलताबाद ये जो दौलताबाद पड़ता है दौलताबाद ये महाराष्ट्र में पड़ता है. कहां पड़ता है महाराष्ट्र में कभी-कभी कभी नहीं आता क्योंकि का वास्तविक नाम क्या था इसका वास्तविक नाम था देवगिरी यह अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम चेंज कर दिया था तो आंसर तुम्हारा आ गया ही होगा बहुत बढ़िया दौलतावाद दानिश अली सर्वेश कुशवाहा विनीता राघव अलका यादव रश्मि यादव रोशनी पारुल शिवम गणेश पंडित जी सुमन यादव शिवम संजय सूर्यवंशी शिवम तोमर कविता कुमारी अंजलि पारुल गणेश पंडित जी राश्मी सबका सही है दौलताबाद इसका एक नाम देवगिरी देवगिरी भी है अलाउद्दीन खिलजी ने बेटा इसका नाम बदला था ये बात तो मैं याद रखनी है एकदम सही आंसर क्या है ए इज़ करेक्ट है ठीक है आज थोड़ा कमेंट्स पढ़ने में दिक्कत हो रही है मैं फोन से ही कर रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप में कुछ टेक्निक प्रॉब्लम हो गई है हाँ शिवम तोमर देवगिरी भी कहते हैं इससे बिल्कुल ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बताइए और मेरा एक प्रस्ताव है वो समझिए जरा ध्यान से प्रस्ताव ये है आपको सही लगे तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो क्लास सुबह सात बजे हमारी होती है ऑब्जेक्टिव क्लास होती है एम मैं इसकी जगह पर एक और एपिसोड लेकर आऊँ एक दोपहर में एपिसोड चलता है आप जानते हैं भारत का प्रधानमंत्री आप ध्यान से सुनिए और अपनी राय दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर तो डेमोक्रेसी है भाई यहाँ किसी की मनमानी नहीं चलती है ठीक है हाँ विक्रांत बताया था नितिन उपाध्याय जी नमस्कार जी नितिन जी तनु राघव वेरी गुड मॉर्निंग तो हमारी जो सुबह में क्लास चल दोपहर में चलती है मैं भारत का प्रधानमंत्री जिसमें लगभग छः एपिसोड आ चुके हैं और सातवां आज आ जा जाएगा तो मैं सोच रहा था कि जैसे सुबह मॉर्निंग में ये क्लास हमारी लाइव चलती है यहाँ पर भी मैं एक एपिसोड लेकर आऊँ जिससे आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हों जो बच्चे जो बच्चे ऑफलाइन क्लास नहीं पढ़ पाते हैं और उन्हें कंसेप्ट की बहुत ज़रूरत होती है ये तो एक प्रैक्टिस क्लास है उन्हें कन्सेप्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है तो शायद मुझे लगता है कि उनको हमारी ज़रूरत है कि हम उन्हें ऑनलाइन माध्यम से उन्हें घर बैठे पढ़ा दें आपका क्या कहना होगा फटाफट से बता दीजिएगा एक बार अगर आपको लगता है कि हाँ सर ये सही रहेगा तो मैं आपकी बात पर सहमत हो जाऊँगा और मैं कंसेप्ट क्लास तुम्हारे सामने लेकर कर आऊँगा क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चे तो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ले ही लेते हैं ऑनलाइन में रह जाते हैं और फुल एपिसोड होगा किसी के भी बारे में हो सकता है अगर जैसे मान लीजिएगा हमने संविधान संशोधन जो सबसे कठिन है संविधान का वो पार्ट है जो याद नहीं होते दो चार लोगों को याद होते हैं जैसे पहला संविधान या ज्यादा याद नहीं होते मेरी कोशिश रहेगी एक दिन मैं तीन से चार संशोधन कराऊंगा लेकिन वो तीन से चार संशोधन पूरी कहानी के माध्यम से होंगे क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी के संशोधन करना पड़ा क्या फ़ायदा हुआ क्या नुकसान था सब के बारे में डिटेल में कहानियों के माध्यम से बताऊंगा अगर अगर आपको लगता है कि ये सही है तो फिर मुझे बता दीजिएगा मुझे बता दीजिएगा मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी मैं इस क्लास की जगह पर बेटा क्या कर दूंगा कॉन्सेप्ट क्लास ले आऊँगा वो क्लास आपको प्रतिदिन मिल जाया करेगी बस मैं यही सोच रहा था आप बताइए एक बार अगर सही लगता है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला क्वेश्चन थोड़ा चेंज करिएगा बेटा क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती है इसमें एक भी ऑप्शन इसमें दे नहीं रखा है यह टाइपिंग करते समय थोड़ी सी गलतियां हो गई हैं इसे थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा ठीक है इसमें याद रख लेना इक्कीस जनवरी को जो दिवस मनाया जाता है वो रास बिहारी बॉस का है किसका है रास बिहारी बॉस रास बिहारी बॉस का दिवस मनाया जाता है इक्कीस जनवरी को इसमें ऑप्शन नहीं है कोई बात नहीं है इक्कीस जनवरी को मनाया जाता है रास बिहारी बॉस जिन्हें भारत में जिन्हें भारत में इंडियन नेशनल आर्मी का संस्था

इसी को शुरू करते हैं बेटा फिर हम है ना अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर करिएगा क्वेश्चन सुनिएगा निम्नलिखित में से किन की गिरफ्तारी के विरोध में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में तेरह अप्रैल उन्नीस को एकत्रित हुए थे कितना बढ़िया क्वेश्चन है आंसर करिएगा क्वेश्चन है निम्न में से किनकी गिरफ्तारी के विरोध में लोग अमृतसर के जलिया बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे जी सर जी तो बेटा तुम्हें पता है कि जलियावाला बाग हत्याकांड एक भारत में नरसंहार हुआ था और इस नरसंहार जब यह नरसंहार हुआ था तो ऐसा माना जाता है कि पूरे भारत में भारत को बंद आंदोलन शुरू किया गया था जिससे कि भारतीय भारत जो है वो रोलेट एक्ट का विरोध करे और जब वो रोलेट एक्ट का विरोध कर रहा था तो पंजाब से दो व्यक्ति थे डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू जिसका विरोध प्रदर्शन सबसे ज़्यादा भाग ले रहे थे एक हिंदुओं का सपोर्टर था एक मुसलमानों का और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मिलकर दोनों ही मिलकर देश की आज़ादी के लिए इन अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो हुआ करते थे ये दोनों के दोनों नेतृत्व तो कर रहे थे इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल यानी करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा डी होगा आपने एकदम सही आंसर दिया है बिल्कुल सही है अंजलि शर्मा पारूष शर्मा गगन शर्मा शिवम तोमर गणेश पंडित जी सुमन यादव सबका एकदम सही आंसर है डी इज करेक्ट है बिल्कुल ठीक है बेटा डी सही है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और कौन थे डॉक्टर सत्यपाल हुआ करते थे एकदम सही है डी इज करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर करिएगा देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था कितना बढ़िया क्वेश्चन है फटाफट से बताइए सरदार वल्लभ भाई पटेल दादा भाई नौरोजी शिव नारायण अग्निहोत्री या रामकृष्ण परमहंस अच्छा सा क्वेश्चन है फटाफट से बताइए पारुल बेटा दो ही तो ले रहा हूँ दिन में क्लास दो ही क्लास तो हो रही है एक सुबह में होती है और एक दोपहर में नहीं आती है बताइए दो क्लास होती है कि नहीं अब ऑफलाइन का भी तो सिस्टम है बेटा पूरे दिन ऑफलाइन भी तो चलता है आप समझिएगा एक मॉर्निंग में क्लास होती है और एक लगभग दोपहर वज... दोपहर को दो बजे अपलोड हो जाती है दो ही क्लास तो ले रहा हूँ देव समाज का संस्थापक निम्न में से किसे कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे ज़्यादा प्रमुखता मानी जाती है बारदौली सत्याग्रह आंदोलन के कारण कौन सा आंदोलन था ये बारदौली सत्याग्रह आंदोलन के कारण इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को बड़ा प्रमुख माना जाता है दादा भाई नौरोजी के बारे में जानते हैं थ्योरी ऑफ ड्रेन का दिया सिद्धांत यानी धन का निष्कासन किसका सिद्धांत दिया था धन का निष्कासन का इन्होंने सिद्धांत दिया था आप जानते हैं इनके बारे में तो बच्चे कौन आप इसका आंसर लगा भी सकते हैं

क्वेश्चन है वर्ष अठारह के एक्ट फाइव ने निम्न में से किस बात को गैर कानूनी बना दिया था वर्ष अठारह के एक्ट फाइव ने निम्न में से किस बात को गैर कानूनी बना दिया था यह एक्ट फाइव जो अठारह सौ तैतालीस में आया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल था एलन बरो कौन था बेटा एलन बरो और इस एलन बरो ने भारत में से एक बुरी प्रथा को समाप्त किया था और वो प्रथा हुआ करती थी दास प्रथा कौन सी प्रथा थी दास प्रथा हुआ करती थी इस दास प्रथा को खत्म किया था और किस एक्ट के तहत खत्म किया था एक्ट फाइव के तहत इसे क्या कर दिया था खत्म कर दिया था अब तुम्हारा आंसर आ रहा है किसी का पीतम्बर यादव सी सही था दानिश अली अग्निहोत्री बिल्कुल सही था तो बताइए आंसर क्या आ रहा है बाल विवाह शिशु हत्या सती या गुलामी अब तो बाल विवाह कर रहे हैं फिर भी तुम गलत कह रहे हैं बेटा धारा फाइव बोली है मैंने और मैंने दास का दास का मतलब क्या होता है गुलाम तो होता है तो इसने किस प्रथा को ख़त्म किया था गुलामी, गुलामी की प्रथा को खत्म किया था तो आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा फिर भी तुम सही नहीं लगा पा रहे हैं मैंने यहाँ दास प्रथा बोला है और दास का मतलब क्या होता है बेटा गुलामी तो होता है तो आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ठीक है सर्वेश एकदम डी सही है तनु राघव ए नहीं होगा बेटा सर्वेश कुशवाहा डी आपने एकदम सही आंसर दिया है सर्वेश बेहतरीन अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई निम्न में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना प्रदान की गई जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिएगा निम्न में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई स्वामी विवेकानंद को राजा राममोहन राय को या माइकल मधुसूदन दत्त या दादा भाई नरौजी कौन होगा इसका आंसर फटाफट से बताओ बेटा जल्दी से बताइए हाँ नहीं विक्रांत दोबारा पुलिस के ऑनलाइन नहीं होंगे फॉर्म दोबारा नहीं होंगे जो भरे हुए हैं उन्हीं पर एग्जाम होगा पहले से बेटा इतने लाख लोग हैं है? दोबारा भरा के अपनी आफत तोड़ी लेगी पुलिस नहीं ऐसा नहीं है चलिए क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से किसे पेरिस की रॉयल एसियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी दादा भाई नोरोजी माइकल मधुसूदन दत्त नहीं आ रहा किसी का आंसर आ गया शर्वैसी एकदम सुपर आंसर आ रहे हैं तुम्हारे बेटा बिल्कुल सही है बी करेक्ट है मधुसूदन दत्त ऐसे ही पढ़ती रहे बेटा एकदम सही है माइकल मधुसूदन दत्त एकदम सही है दानिश अली राजा राम राय को नहीं मिली थी राजा राम राय लंदन गए थे कहाँ गए थे लंदन लंदन में एक स्थान पड़ता है ब्रिस्टल कौन सा स्थान है ब्रिस्टल इस ब्रिस्टल रामा के स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई थी बस एक ही बार तो ये ब्रिस्टर कहाँ गए थे लंदन गए थे और वहीं पर इनकी क्या हो गई थी मृत्यु तो ये पेरिस तो कभी गए ही नहीं तो वो कौन है माइकल मधुसूदन होंगे आंसर जो होगा वो क्या होगा बी होगा ठीक है हाँ सर्वेस बी हो सकता है बी एकदम करेक्ट है आप ऑप्शन को तोड़िए मरोड़िए और जब तक ना रुकिए जब तक वो टूट ना जाए कोशिश करिए देखो स्वामी विवेकानंद का तो कोई मतलब है नहीं राजा राम मोहन राय गए नहीं दादा भाई नौरोजी भी लंदन तक गए और वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट में रहे थे तो हो सकता है कि पेरिस के लिए कौन गया होगा तो एक नया नाम हमें दिख रहा है तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा ना तो माइकल मधुसूदन हो जाएगा ठीक है आंसर हो जाएगा बी पीतम्बाई यादव सी नहीं होगा बेटा अलका सही है बी करेक्ट है हाँ, अंजलि शही है भी ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए और अगर देखिए क्वेश्चन निम्न में से किसने वर्ष 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आंसर करिएगा बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ध्यान से देखकर करिएगा बेटा हम लोगों की बड़ी कमी है हम ना कमिटमेंट नहीं कर पाते और कमिटमेंट कर भी लेते हैं तो हम उसे पूरा नहीं कर पाते हम तो एक ऐसे लोग हो गए हैं जो स्टार्ट तो करते हैं और बड़ी मेहनत के साथ स्टार्ट करते हैं लेकिन बाद में पिछड़ जाते हैं क्योंकि परेशानियाँ सत्यता के साथ तो आती हैं सत्य कड़वा जरूर है कड़वा जरूर है लेकिन आनंद भी बहुत देता है थोड़ी सी कोशिश तुम्हें बहुत ऊपर तक ले जाएगा मैंने कैरियर मैं दो से पढ़ा रहा हूँ लगभग साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते लोग विश्वास नहीं करते कि सर आप नहीं लगते कि पंद्रह साल से पढ़ा रहे होंगे इस करियर में मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जिसे वास्तव में कुछ नहीं आता था कुछ भी नहीं आता था और वो एक अच्छी अच्छी जॉब में लगे हुए हैं लेकिन उनका कमिटमेंट शुरू में जो था वही लास्ट तक था आपको भी वही करना पड़ेगा आपका कमिटमेंट जो शुरू में है जो शुरुआत कर रहे हैं वही अंत तक होनी चाहिए जिस दिन तैयारी हुई जिस दिन पक्की तैयारी हुई और जिस दिन जॉब मिली उसकी खुशी जो होगी ना वो बेटा जीवन में तुम्हें कोई दूसरी खुशी दे नहीं सकता तो प्लीज अपने जो कमिटमेंट हैं जो अपने द्वारा लिया गया निर्णय हैं उसे परपक रखो उसे ज़्यादा जबरदस्त तरीके से रखो ज़्यादा सफलताएं प्राप्त होंगी तो बताइए आंसर क्या आ रहा है किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है किसका आंसर आ रहा है तनू राघव एवं बेटल बिल्कुल सही है बेटा संजय सूर्यवंशी अंजलि शर्मा रोशनी गौतम सर्वेश कुशवाहा गगन शर्मा सबका सही है पंडित जवाहरलाल नेहरू ए इस करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू एकदम सही आंसर है ए करेक्ट आंसर है ठीक है गगन अंजलि नितिन उपाध्याय एकदम सही है तनु राघव सबका सही है बेटा बेहतरीन क्वेश्चन का आंसर है ए सही है अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है अभ्रक को अंग्रेजी में बेटा माइका बोलते हैं क्या बोलते हैं माइका इसका जो प्रयोग किया जाता है वो विद्युत सामान में किया जाता है इसका प्रयोग किस में किया जाता है इसका प्रयोग विद्युत सामान में किया जाता है क्योंकि तुम जानते हैं कि जो माइका होता है वो विद्युत का कुचालक होता है वो विद्युत का क्या होता है वो विद्युत का कुचालक होता है बैड कंडक्टर ऑफ लाइट यानी विद्युत का क्या होता है कुचालक होता है तो आपने देखा होगा जितने भी बिजली के खंभे होते हैं वहाँ इंसुलेटर लटके रहते हैं ऐसे बिजली के खम्भों पर इंसुलेटर लगे रखे होते हैं और ये जो बने होते हैं वो अभ्रक के बने होते हैं तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हाँ शुमन यादव ऑफलाइन तो पढ़ाता ही हूँ मैं सबसे ज्यादा तो ऑफलाइन ही पढ़ाता हूँ तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा झारखंड हो जाएगा यानी ए इज करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा ए सही है बिल्कुल पारुल अंजलि सर्वेश नितिन उपाध्याय गगन शर्मा बिल्कुल सही है अलका यादव सुमन यादव शिवम कुशवाहा, संजय सूर्यवंशी पीतम्बर यादव सबका सही यानी झारखंड इज करेक्ट आंसर है ए सही है अगला क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन करिएगा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेस्ड निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है फटाफट से आंसर कही अरे दानश अली धोनी के राज्य झारखंड में बिल्कुल सही बात है धोनी की नगरी कहा जाता है पीतम्बर अंजलि पारुल सदवे नितिन सेवा सबका सही था बेटा निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है लिपलेख दर्रा उत्तर प्रदेश में है नाथुला दर्रा सिक्किम में है या जोजिला दर्रा कश्मीर में है ये तो बिल्कुल ठीक है बेटा नाथुला भी ठीक है मुझे लग रहा है यहाँ दिक्कत है लिपलेखा उत्तर प्रदेश में नहीं है ये उत्तर प्रदेश में से बने किसमें उत्तराखंड में है किसमें है बेटा उत्तराखंड में है ये बात तुम्हें याद रखनी है कि जो लिप्लेक दर्रा है वो कहाँ है उत्तराखंड में है इसलिए इसका आंसर क्या होगा बी और तुमने देवी दिया है सर्वेश एकदम सही दिया है तनुरागव शिवम कुशवाहा अविनाश कुमार सर्वेश कुशवाहा शिवम नितिन उपाध्याय एकदम सही आंसर दिया नितिन बाबू 20 करेक्ट आंसर है अंजली शर्मा दानिश अली सुमित गगन शर्मा सर्वेश रोशनी गौतम पीतंबर यादव सर्वे सबका सही है आंसर यूके है लिपलेक दर्रा उत्तराखंड में ठीक है।, है अगला क्वेश्चन अगर हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा तो बेटा नॉर्थ इंडिया में पहुंचा सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ पड़ा नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा जैसे मान लीजिए जैसे पंजाब जैसे दूसरा राज्य हरियाणा जैसे तीसरा राज्य उत्तर प्रदेश जैसे हल्का कहां तक पड़ा बिहार तक इसका प्रभाव पड़ा और इसके अलावा देखिए तो राजस्थान है कुलदीप राजौरिया राम राम भाई सर्वेश कुशवाहा कह रही है सर डी गेहूं एकदम सही आंसर है बेटा डी इज करेक्ट है यानी गेहूं की फसल पर पड़ा सबसे ज्यादा उत्पादन गेहूं की फसल का हुआ संजय विनीता सिवा सर्वेश कुलदीप बहुत बढ़िया आंसर है पीतम्बर यादव सही है सुमित डी ठीक है बाबू कविता कुमारी अंजलि शिवा कुमारी सबका सही है शिवम बिल्कुल ठीक है बेटा आंसर गेहूं की फसल पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन करिएगा क्वेश्चन है लेटेराइट सॉइल्स आर डोमिनेटेड लेटेराइट मिट्टिया कहाँ पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है हाँ नितिन बाबू बिल्कुल ठीक है सर्वेश शिवम गगन शर्मा पालू शर्मा अविनाश कुमार विक्रांत सबका सही है एकदम सुपर और बढ़िया आंसर दिया है तुम सब लोगों ने और क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन है लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य कहाँ है यानी लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है मालावर तट पर पाई जाती है कोरोमंडल तट पर पाई जाती है या बुंदेलखंड में पाई जाती है या बघेल खंड में पाई जाती है जल्दी से बताइएगा लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य कहाँ मिलता है तो लेटेराइट मिट्टी अगर तुम्हें मिलेगी तो बेटा तो 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 केरल में मिलेगी कहाँ मिलती है इस क्षेत्र में मिलती है यानी केरला वाले क्षेत्र में ये केरल में मिलती है और केरल के समुद्री तट को किस नाम से जानते हैं केरल के समुद्री तट को किस नाम से जानते हैं आया तुम्हारा आंसर पालू शर्मा उन्नीस का डी हाँ डी तो सही था बेटा उसका इसका दो शिवम का कह रहा है बी कोरोमंडल तट कोरोमंडल नहीं बेटा कोरोमंडल तो तमिलनाडु का तट है किसका तट है तमिलनाडु पर नहीं पाई जाती मालावार तट होगा कौन सा तट होगा मालावार तट होगा जो कहाँ स्थित है केरला में जो कहाँ है बाबू केरल में है याद रखना मालावार तट होगा आंसर जो होगा वो क्या होगा ए इज करेक्ट है आप बी कर रहे हैं ये गलत है कोरोमंडल तमिलनाडु में मैं जब केरल कह रहा हूँ और केरल के तट को क्या कहते हैं बाबू मालावार क्या कहते हैं मालाबार कहते हैं कि नहीं फिर आप गलत कैसे कह रहे हैं केरल के तट को क्या कहते हैं मालाबार तट कहते हैं तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा तुम फिर भी बी बी किए जा रहे हो कोई सी कह रहा है सर्वेश ए सही है पीतांबर यादव पारुल शर्मा अंजलि शर्मा नितिन उपाध्याय बिल्कुल सही है बाबू ए सही है अगला देखो क्वेश्चन है उज्जैन इज सिचुएटेड इन उज्जैन स्थित है किस नदी के किनारे उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है यह क्वेश्चन पूछा है हाँ पारुल बीच का ए सही था बेटा बिल्कुल ठीक था सर्वेश कविता अंजलि नितिन उपाध्याय अंजलि शर्मा पीतंबर यादव अंजलि शर्मा सबका सही है बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिएगा उज्जैन निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है उज्जैन महाकाल नगरी है बाबा महाकाल की नगरी कहलाता है उज्जैन है ना देवों के देव महादेव यहाँ पर रहते हैं महाकाल में किस नदी के किनारे है जल्दी से आंसर दो फटाफट से सर्वेश का आ गया बी सही है बिल्कुल एमपी है अविनाश कुमार अंजलि विनीता राघव सुमन यादव शिवम कुशवाहा एकदम करेक्ट है छिप्रा नदी के किनारे किस नदी के किनारे है छिप्रा नदी के तट पर है मध्य प्रदेश में है बी इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल ठीक है बी सही है बेटा छिपरा है सुमन यादव सुमित कविता कुमारी सर्वेश गुर अंजलि शर्मा गगन शर्मा सूर्या सूर्या परमार एकदम सही है भाई सूर्या पीतम्बर यादव शिवम सबका ठीक है एकदम सही है ओके अंजलि सही है बेटा कविता पारुल शिवा सबका ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए और दीजिए आंसर हाँ जी शिवम बाबू ठीक है सूर्या परमार बिल्कुल सही आंसर दिया है भाई अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर करिएगा ड्रेकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से किस देश में स्थित है कौन सा पूछा है ड्रेकेंस बर्ग पर्वत निम्न में से किस देश में स्थित है बोत्सवाना नामीबिया दक्षिण अफ्रीका या जाम्बिया निम्न में से कहां है फटाफट से आंसर दीजिएगा जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट से क्या होगा आंसर मुकेश आ चुके हैं और गुड मॉर्निंग कह रहे हैं आप सबको गुड मॉर्निंग मुकेश दीजिए आंसर क्या आंसर आ रहा है हाँ विक्रांत बिल्कुल ठीक था बेटा अंजलि तुम्हारा भी सही था यूपीएससी जी क्रैकर ने भी एमपी में कहा है बिल्कुल सही है अंजलि शर्मा का इसका आंसर आया है सी बिल्कुल अंजलि बहुत बढ़िया नॉलेज है आपको साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका एकदम सही करेक्ट आंसर है सी बिल्कुल सही आंसर दिया है तुमने ठीक है नितिन बहुत बढ़िया साउथ अफ्रीका में है अंजलि शिवा सुमित अविनाश यूपीएससी क्रैकर सर्वेश अंजलि गगन विनीता संजय सबका सही है बेटा बहुत बढ़िया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आंसर करिएगा सही आंसर था एकदम सबका सही था जी मुकेश जी बिल्कुल सही है अविनाश कुमार सूर्या परमार सर्वेश कुशवाहा सेवा कुमारी सबका एकदम सुपर और बढ़िया आंसर है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है कितना बढ़िया है पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है ये क्वेश्चन तुमसे पूछा है हाँ पारुल सबका सही है आप जानते हैं हमारे द्वारा प्रधानमंत्री एपिसोड चलाया जा रहा है जिसके छः एपिसोड आ गए हैं जिस भी छात्र ने नहीं देखा देख लीजिए बेटा आपके पेपर के लिए इतना सहायक है आपके कंसेप्ट को पूरा खत्म कर देगा ऐसे ही क्लासेस मैं लाता रहूँगा आप उन्हें देखते रहिए और आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा कम से कम ज्यादा ना करोगे तो, दुआ तो दोगे ही दोगे चलिए अगला क्वेश्चन है, है? है? तो है, है शुक्र को कहा जाता है किसे कहा जाता है वीनस को कहा जाता है एकदम सही है शुक्र एकदम करेक्ट आंसर है बेहतरीन आंसर दिया है नितिन शिवा अंजलि यूपीएससी क्रैकर बिल्कुल सही है हाँ यूपीएससी क्रैकर कह रहे हैं सर विश्वदीप को जानते हो हाँ जानते हैं क्यों नहीं जानते हमारे छात्र हैं विश्वदीप आज भी पढ़ते हैं कोचिंग में और बड़े होनहार छात्र हैं बताइएगा क्या करना है उनका बताइए क्वेश्चन देखिएगा एशिया व उत्तरी अमेरिका को निम्न में से कौन सा जल डमरू अलग अलग करता है फटाफट से बताइए कौन इसका आंसर देगा जिब्राल्टर जल डमरू बेटा किसे अलग करता है ये स्पेन ये किसे अलग करता है स्पेन और मोरक्को को अलग करता है, को करता है।, इंडिया और किसे करता है उत्तरी अमेरिका को निम्न में से कौन सा जल डबरू करता है ठीक है शिवम चौधरी आई गॉट वन फोर्टी फाइव मार्क्स एन एस एस सी जी डी बहुत बढ़िया शिवम बहुत बढ़िया वन फोर्टी फाइव है आपके बेहतरीन अरे शिवम बाबू बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छे नंबर है तुम्हारे 145 आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेरिंग जलडमरू हो जाएगा क्या हो जाएगा बेरिंग जलडमरू होगा ए इस करेक्ट आंसर है बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भाई शिवम बहुत बढ़िया क्या होगा बेटा बेरिंग जलडमरू होगा ए सही आंसर है हाँ विनीता तुमने सही आंसर दिया है बहुत बढ़िया आंसर दिया है ठीक है बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर करिएगा क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया सही है सबका सही है एकदम सही है शिवम नितिन उपाध्याय सर्वेश कुशवाहा गगन शर्मा पारुल शर्मा सर्वेश कुशवाहा अंजलि शर्मा सबका सही है बेटा क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़े व घने वन कौन है सबसे विश्व में सबसे बड़े व घने वन कहाँ पाए जाते हैं जल्दी से आंसर फटाफट से बताइए हमने देखे होंगे अमेजन वन कौन से वन देखे होंगे अमेजन वन जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं सबसे बड़े होते हैं सबसे घने होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं बेटा ब्राजील में कहाँ पाए जाते हैं ब्राजील में पाए जाते हैं तो आंसर जो हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है दानिश अली कह रहे हैं 140 आई गोट आल्सो सबका सिलेक्शन है बेटो बेटा 140 145 वाले सबका सिलेक्शन है तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ब्राजील क्या हो जाएगा बेटा आंसर सी हो जाएगा बहुत बढ़िया सी हो जाएगा बिल्कुल सही है गगन शर्मा सुमित सर्वेश शिवा कुमारी कविता कुमारी अंजलि शर्मा सूर्या परमार बहुत बढ़िया आंसर है बिल्कुल ठीक है बेटा नितिन रोशनी बिल्कुल सही है पीतम्बर यादव सबका करेक्ट आंसर है ब्राजील अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर करिएगा बहुत बढ़िया शुरुआया क्वेश्चन है फ्लोरा और फना का संबंध निम्न में से किससे है फ्लोरा और फना का संबंध निम्न में से किससे है ये बेटा एक प्रकार से वैरायटी है यानी प्रजाति है फ्लोरा और फना रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेड़ पौधे जंतुओं से मछलियों एवं पेड़ पौधों से जंतुओं एवं मछलियों से पक्षियों एवं पेड़ पौधों से शायद इसका आंसर तुम्हें ना पता हो पर फिर भी तुम कोशिश करोगे जरूर कोशिश करिए कोई बात नहीं है क्योंकि तुम जानते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कौन इसका आंसर करेगा जल्दी से करिए बाबू तो क्या होगा फ्लोरा और जंतुओं से है ये पेड़ पौधे और किससे संबंधित है जंतुओं से इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा मुझे पता था तुम गलत करोगे पर मैंने कहा कोई बात नहीं है जल्दी पी दानिश अली मेरी शायरी नहीं आती भाई वैसे मैं हर्टली दिल से बोल रहा हूँ आपको बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन शायरी नहीं आती मुझे ज़्यादा ठीक है पता है ना हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह को ज़्यादा दिमाग में भर लिया तो वो शायरी दिमाग में नहीं रहती इतना जियस याद कर लिया है लेकिन शायरी याद नहीं होती मैंने कई बार कोशिश की है कि बच्चे बोलते हैं तो शायरी याद करूँ वो कोई टूटी फाटी पहले ही रहती है वही हो सकता है हाँ सर्वेश कुशवाहा ए हो सकता है हाँ ऐसी ही है अंजलि दानिश अली पारुल सब का सही है ए करेक्ट है पेड़ पौधे और जंतुओं संबंधित है अगला क्वेश्चन देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है फटाफट से बताइएगा द क्रिएचर द सरवाइज ऑन डेड एनिमल्स इज कॉल्ड मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं जो जंतु मर जाते हैं उनका भोजन बनाने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को किस नाम से जानते हैं फटाफट से बताइए शौर्य बेटा सही है सर्वेश शिवा कुमारी नितिन उपाध्याय अंजली शर्मा सबका सही था बेटा बताओ मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं पैरासाइट्स कहते हैं डीकम्पोजर कहते हैं स्कैवेंजर कहते हैं या अमनी कहते हैं कौन कहेगा इसका आंसर फटाफट से बताओ सबका गलत आएगा मुझे दिख रहा है मुझे लग रहा है ऐसा लग रहा है अंदर से अब पता नहीं तुम सही भी करेंगे यूपीएससी क्वालिफाइड कर दोगे अब नहीं दाना साली इतनी बड़ी बात क्यों कर रहे हो अंजलि एकदम सही आंसर दिया है बेटा तुमने ओमनी क्या है ओमनी कहा जाता है बिल्कुल सही है जो जीव जंतु मरे हुए होते हैं उन्हीं को हमेशा अपना भोजन बनाते हैं उन प्राणियों को ओमनी कहते हैं क्या कहते हैं ओमनी कहते हैं इसके अवेंजर वो होते हैं जो मृत को भी बनाते हैं और साथ में साथ में जो पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं यानी पेड़ पौधे जो होते हैं उनको बनाते हैं है ना डी तो उसे खत्म करने वाले होते हैं डी तो खत्म करने वाले होते हैं इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा ठीक है पीतम्बर हाँ शिवा सबका सही है शिवम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बहुत अच्छा आंसर दिया है तुमने बेटा ठीक है पीतम्बर यादव पारू शर्मा सबका सही है बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर करिए हवा में आर्द्रता को नापने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है एक और बढ़िया क्वेश्चन है तुम्हारे सामने बताइए हवा में जो ह्यूमिनिटी मापी जाती है आर्द्रता मापी जाती है उसके लिए क्या होगा नितिन बाबू बिल्कुल डी सही है शिवा कुमारी बिल्कुल सही है बेटा शिवम कुशवाहा सूर्य परमार दानिश अली ओमनी वोर था बिल्कुल सही था एकदम सही और करेक्ट आंसर दिया था क्वेश्चन देखिए हवा में आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है कौन इसका आंसर करेगा बाबू जल्दी बताओ जल्दी बताओ सर्वेश तुमने सर्वेश विनीता राघव विनीता आपका बहुत अच्छा आंसर है गगन शर्मा पीतम्बर यादव बिल्कुल सही है हाइग्रोमीटर क्या कहलाता है बेटा हाइग्रोमीटर कहलाता है यानी बीज करेक्ट आंसर है ठीक है सुमित सर्वेश मुकेश शरण पारुल कविता सर्वेश अंजलि हाँ, सब का सही है है बेटा बीस करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया हाइग्रोमीटर कहलाता है सही आंसर है अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए चलिए बहुत बढ़िया शिवम बहुत बढ़िया बेटा दानशाली हाइग्रोमीटर है बेटा हाइड्रो नहीं है हाइग्रो है विक्रांत भी सही था बेटा मुकेश शरण बिल्कुल ठीक था क्वेश्चन देखिए और आंसर करिएगा स्टील मुख्यतः एक मिश्रण है लोहा एवं किसका ये जो स्टील होता है बेटा ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता ये दो से बना होता है एक इसके साथ कौन होता है लोहा और इसके साथ एक होता है क्या इसके साथ एक क्या होता है बेटा लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है स्टील में जल्दी से बताइए तो लोहे के साथ मिलाया जाता है क्रोमियम क्या मिलाया जाता है क्रोमियम लोहे के साथ मिलाया जाता है क्रोमियम लोहा प्लस क्रोमियम ये दो मिलाए जाते हैं है ना लोह और क्रोमियम मिलाया जाता है तब जाके स्टील बनता है तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यानी स्टील स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता बाबू ये बनाया जाता है यानी कार्बन मिलाया जाता है लेकिन ज्यादा क्या, तो हो क्या, हो होगा। क्या होगा ए होगा निकेल नहीं होता बाबू गलत दे रहे हैं आंसर ठीक है बिल्कुल गलत है नितिन उपाध्याय आपका सही आंसर था सर्वेश बेटा एकदम सही आंसर है अंजलि तुम्हारा भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है अगला क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन कितना आसान है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है लोग ये तो आम जनता इसे जानती है सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है क्वेश्चन ये तो है ही नहीं बाबू क्वेश्चन ये है जरा आंसर दीजिए ये सूर्य है सूर्य के किसके द्वारा पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है पृथ्वी पर पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है किस माध्यम से पहुंचता है ये किस माध्यम से सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है यह क्वेश्चन है आपके लिए आंसर बताओ कौन है हाँ इसका तुम बता दोगे मुकेश बिल्कुल सही है सर्वेश एकदम सही है इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे पता था तुम इसका आंसर पारुल बेटा बिल्कुल ठीक है सर्वेश अंजलि सबका ठीक है ये तो सबको पता है विटामिन डी की कमी के लिए हम सूर्य में बैठ जाते हैं यानी कि धूप में जाकर बैठ जाते हैं सर्दियों में ज्यादा जरूरत होती है गर्मियों में तो भाई कमरे में भी विटामिन डी मिलती है है ना हाँ कहीं भी विटामिन डी मिलती है तो उसके लिए तो बताओ जरा मुकेश शरण कह रहा है सर डी सही है ये नहीं बताया किसी ने आंसर ये तो बिल्कुल गलत बात है तो ये जो होगा बेटा ये किसके द्वारा होगा ये विकरण के द्वारा होता है किसके द्वारा होता है विकरण के द्वारा होता है अरे किसके द्वारा होता है विकरण ये विकरण के द्वारा होता है याद रखना जो हम खाना बनता है एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है वो विसरण के कारण सुगंध जाती है कभी कभी बहुत सुंदर बड़ी स्वादिष्ट सब्जी बन रही होती है मम्मी जी किचन में बना रही होती है हम रूम में बैठे होते हैं हमारे पास सुगंध आती है वो विसरण के कारण होती है क्वेश्चन याद रखना वो किसके कारण होती है विसरण हो रहा है और सूर्य के द्वारा जो आ रहा है वो विकरण के द्वारा आ रहा है याद रखना है ना बहुत बढ़िया सर्वेश कुछ कहा बिल्कुल ठीक है बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन देखो बेंक, विश्व बैंक विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां है आप सिर्फ वर्ल्ड बैंक की बात क्यों कर रहे हैं बाबू वर्ल्ड बैंक की एक बात क्यों करते हैं आप आईएमएफ की भी बात कर लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इन दोनों का जो मुख्यालय है वो कहां मिलेगा जल्दी से बताइएगा जेनेवा में जो है वो किसका है डब्ल्यू का है डब्ल्यू का है कहाँ है जिनेवा में है ठीक है न्यूयॉर्क में जो है बेटा वो किसका है न्यूयॉर्क में है आपका यू एन ओ का यू एन ओ का हेडक्वार्टर कहाँ है यू में है मनीला मनीला फिलीपींस की राजधानी है ए एशिया एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी वॉशिंगटन डीसी बच्चे आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इज करेक्ट है ठीक है पीतम्बर सर्वे सबका सही है बेहतरीन अली इकतीस का ए तुमने गलत कर दिया बेटा बिल्कुल गलत है गलत कर गए पारुल बी सही है हाँ कविता सही है शिवम बिल्कुल ठीक है सर्वेश सही है अंजलि सबका ठीक है बेटा नितिन बाबू बिल्कुल वाशिंगटन करेक्ट है अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है बढ़िया सा क्वेश्चन है बताइए राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ है राष्ट्रीय डेयरी का मतलब है दुग्ध अनुसंधान केंद्र पूछा है तुमसे दूध यानी दुग्ध केंद्र भी तुमसे पूछ ले दुग्ध अनुसंधान केंद्र भी आपसे पूछ ले तो दूध बेटा कहाँ के लोग ज्यादा पीते हैं वो लोग पीते हैं जो पहलवान होते हैं और पहलवान सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पाए जाते हैं मारो हरियाणा हरियाणा और हरियाणा देखना निम्न में से कौन सा है जहा नई दिल्ली लुधियाना होगा नहीं क्या होगा आंसर करनाल में होगा क्या होगा करनाल होगा आंसर जो होगा डी होगा अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में बिल्कुल सही बात है करनाल हरियाणा लखन सर आ चुके हैं और सी आंसर किया है पहले क्वेश्चन का बहुत बढ़िया जी सर्वेश कुशवाहा करनाल हरियाणा एकदम सही है दानिश अली उपाध्याय अंजलि शर्मा कविता कुमारी एकदम सही है अविनाश कुमार डी एकदम करेक्ट आंसर है बहुत बढ़िया करनाल में है अगला क्वेश्चन देखिए और देखिएगा कितना बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन है भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है आप इसका आंसर दीजिए दो मिनट का समय दे रहा हूं मैं तुम्हें दो मिनट का समय आराम से सोच कर दे लीजिए लेकिन कोई गूगल सर्च नहीं करेगा जल्दी से आंसर दो कौन देगा हाँ पीतम्बर यादव पारुल शर्मा शिवम कुशवाहा सबका सही था बेटा सर्वेश शिवम पारुल अंजलि अविनाश सबका सही है दानिश अली बहुत बढ़िया पहलवान हरियाणा में है बताइए भारत में भारत में प्रछंड बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है कोई भी बता दीजिए आंसर फटाफट से नहीं आ रहा ना हाँ गगन वो तो सही था बेटा इसका आंसर दो आ गया आंसर गगन शर्मा विनीता राघव ए कृषि क्षेत्र एकदम सही आंसर दिया है तुमने बेहतरीन अविनाश सही है कृषि क्षेत्र में पाई जाती है क्या होती है बेटा प्रछन्न बेरोजगारी भारत में लगातार कृषि जोतें कम होती जा रही हैं और जनसंख्या बढ़ती जा रही है कृषि जोत कम होने का मतलब है हमारे पास जमीन कम होती जा रही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है एक समय होता था एक एक लड़के के नाम पर पचास पचास बीघा खेत आता था एक के दो हो गए पच्चीस पच्चीस हो गया दो के दो दो हो गए अब तुम लगा लो कितना कितना हो गया फिर उनके भी दो दो हो गए दो तो बहुत कम बोल रहे हैं हम आज की जनरेशन में दो होते हैं पहले तो गिनती कैसे बताएं हम तुम्हें तो आंसर जो होगा वो क्या होगा कृषि क्षेत्र है क्या होगा कृषि क्षेत्र है इसका मतलब ये होता है कृषि जोत का कम होना और और क्या होगा और सीधा सा मतलब है जनसंख्या का ज्यादा बढ़ना कहलाता है एकदम सही था विक्रांत अंजलि तनु बिल्कुल सही है बेटा अविनाश सही है सर्वेश सर 33वां क्वेश्चन है ऐसा जो मेरा गलत हुआ है समझ नहीं आ रहा मेरे गलत हो जाते हैं ये समझ नहीं आते हैं ये गलत बेटा इकोनॉमी पढ़नी होती है ना इसके लिए इकोनॉमी पढ़ती होती है ना बेटा ऐसे थोड़ी सही हो जाते हैं इकोनॉमिक्स में आता है ये सर ऑप्शन भी बोल दिया करें क्योंकि कभी कभी हम क्लास सिर्फ सुन रहे होते हैं प्लीज़ अच्छा सब सुविधाएं मिलेंगी बेटा तुम्हें तो सुमन सब सुविधाएं मिलेंगी आजकल ना सुविधाएं जितनी होती जा रही ना उतने ही आलस्य होते जा रहे एक समय हुआ करता था कि हम बस की छत पर बैठकर आते थे पढ़ने के लिए कहीं क्लास ना निकल जाए बस लेट हो जाती थी किसी ट्रैक्टर वगैरह पर ट्रॉली वगैरह पर लटक के पहुंच जाते थे आज सब सुविधाएं मिलती जा रही है भाई सब सही बताए ना अब इस समय मास्टर ना बेचारा हो गया है ये सच बात है कभी कभी सच निकलता है दिल से ईमानदारी में देखें जो जो गुरुवर होते 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 हैं जी होते हैं हो हैं हैं गुरुजी ना वो हो हो गए बच्चा गया है निफ्राम है उसे कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से उसे टाइम से पहुंचना है नहीं पहुंचना क्योंकि सुविधाएं इतनी ज्यादा होती जा रही हैं लेकिन वो दिमाग को खराब करने वाली हैं जितनी ज्यादा है, सुविधाएं होंगी उतना ज्यादा नुकसान तुम्हें पहुंचने वाला है चलिए बोल दिया करेंगे सर आपकी बात मानेंगे हम अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान निम्न में से कहा स्थित है फटाफट से बता दीजिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज लोकेटेड विपणन का मतलब जानते हैं विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग करना यानी कि खरीद फरोद करना नई दिल्ली में है जयपुर में है हिसार में है भोपाल में है निम्न में से कहाँ है फटाफट से बताइएगा बताइए फटाफट से क्या आंसर होगा राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान निम्न में से कहाँ है नई दिल्ली में जयपुर में हिसार में भोपाल में जल्दी से बताइए फटाफट से बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाई होती थी बेटा पहले लैम से डिविया से दीए से हुआ करती थी जल्दी दीजिए आंसर सर्वेश गलत है तुम्हारा नई दिल्ली मुझे पता था तुम सब नई दिल्ली करोगे और तुम सब के सब गलत हो तो आंसर जो हो जाएगा वो बेटा कहाँ है जयपुर कुछ तो जयपुर में डाल दीजिए जयपुर में है एकदम बेस करेक्ट आंसर है आज हम अपनी क्लास यहीं फिनिश करते हैं इतने ही क्वेश्चन थे आपको शायद अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक वाइक करते रहिए शेयर वेयर करते रहिए बाकी कल फिर सुबह सात बजे मिलते हैं और मैंने अपना प्लान तो मैं बता दिया है स्पष्ट शायद मंडे से मैं इस प्लान पर काम करूं आपको ये एम के अलावा एक और कॉन्सेप्ट की क्लास यानी दिन में दो कॉन्सेप्ट की क्लास मिले एक सुबह में मिलेगी और एक दोपहर में मिलेगी हम ना बिल्कुल तोड़ करने को अब तैयार हो गए हैं वो कंसेप्ट क्लास होगी जो यूट्यूब के इतिहास में तुम्हें शायद देखने को मिले संविधान संशोधन ऐसे संविधान संशोधन जो बच्चों को सिर्फ दस से पंद्रह संविधान संशोधन याद होते हैं बाकी संशोधन का पता नहीं रहता लेकिन मैं चाहे दिन में दो ही संशोधन कराऊंगा लेकिन पूरी थोड़ी होगी पूरी कहानी होगी हर संशोधन की एक कहानी के साथ मैं तुम्हारे साथ उपस्थित रहूंगा तो मैं अपनी टीम से बात करने के बाद सर से बात करने के बाद इस डिसीजन को लूंगा लेकिन वैसे मैंने अपना ओपिनियन रखा था आप भी अपना ओपिनियन रख सकते हैं कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं या फिर जैसे क्लास चल रही है वैसे ही करनी चाहिए फटाफट से बताइए विक्रांत कह रहे हैं सर बोलते तो हैं अंजा भाई को नमस नमन लेके लोगे सर क्या कह रहे हैं बेटा क्लास जो होंगी वो लाइव नहीं होती हैं ऐसी क्लास कॉन्सेप्ट वाली क्लास लाइव नहीं हो सकती तो नहीं तो तुम डिस्टर्ब करोगे बार 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 क्वेश्चन पर क्वेश्चन करोगे है ना करोगे कि नहीं करोगे तो ये मैं रिकॉर्डेड क्लास करूंगा और जैसे रिकॉर्ड होगी उसके दो मिनट में यूट्यूब पर आ जाएगी तो फ्री में ही तो है बस मैं लाइव नहीं रहूँगा उसमें क्योंकि मुझे पता है मेरा डिस्टर्बेंस जब मैं पढ़ाता हूँ जो बच्चे ऑफलाइन पढ़े वो जानते हैं क्योंकि डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है मुझे बिल्कुल एकांत तरीके से बिल्कुल कंसेप्ट के साथ कहानियों को उसी मोड पर लाया जा सकता है जब हम बिल्कुल एकांत मैं और जब कमेंट्स पढ़ेंगे तो तो डिस्टरबेंस होता है ना बाबू इसलिए ठीक है चलिए चलिए आप सब सहमत हैं तो बहुत अच्छी बात है अंजलि सर आप जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका प्यार है आपको अच्छी लगती है बस इसलिए ठीक है चलिए चलिए बहुत बढ़िया चलिए थैंक यू धन्यवाद जय हिंद